13/7/2022 को जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मुरादाबाद की टीम के द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में तंबाकू व धूम्रपान सेवन कर रहे 7 लोगों का चालान कर टीम ने 650 का जुर्माना एकत्रित किया, जिसमें जनपद सलाहकार डॉक्टर प्रशांत राजपूत DIOS के प्रतिनिधि, GIC इंटर कॉलेज कुचावली के प्रधानाचार्य शाने आजम, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टीम के सोशल वर्कर पंकज चौहान के द्वारा धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करने से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया गया। पुलिस प्रशासन आदि कार्यवाही में उपस्थित रहे। सर, आज आपके जो कैंपेन में जो चालान काटे जा रहे हैं सिगरेट बीड़ी के ऊपर, इसके लिए क्या कहना है आपका? ये जो तम्बाकू बीड़ी सिगरेट, ये हमारा जो कैंपस है जो जिला अस्पताल का, ये इससे फ्री है। इस कैंपस में जो भी अगर इस तरह की हरकत करते हुए या बीड़ी सिगरेट पीते हुए पाया गया या थूकते हुए तम्बाकू की पीप थूकते हुए पाया गया, तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है और ये सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहेगी। इसमें रेंडमली हमारी टीम है, इसमें जो नोडल अधिकारी हैं और इसके टोबैको कंट्रोल ऑफिसर हैं, ये लोग अपना रेंडमली चेक करते हैं और ऐसे लोगों को जो इस तरह के प्रावधान को उल्लंघन कर रहे हैं उसको पकड़ते हैं और उसको पेनलाइज करते हैं। सर, इस टीम में कौन कौन अधिकारी सम्मिलित हैं? नहीं, इसमें पूरी टीम बनी हुई है। CMO साहब के अंडर में है और वो बैठते हमारे यहाँ हैं और जो हमारा मिशन हेल्थ मिशन के तहत उनको सैलरी मिलती है। सर, अब तक कितना शुल्क वसूल हो चुका है? काफ़ी हो गया, मेरे को एग्जैक्ट डाटा इस समय मौजूद नहीं है। मैं अभी अपने टीम के उनको बुला देता हूँ कि अपडेट कितना है।